हट जाइए, हट जाओ। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अपना ग्रुप होना तो भाई यहाँ कहीं कैंप कर लो, आदि कैलाश तक पहुँचने के लिए ना पिछवाड़े में भाई सब छल्ले पड़ जाते हैं। यहाँ से अगर हटा ना भाई बंदा सीधा नीचे। ओ बहन, ओ रुक नहीं रहा बाइक, पूरी ब्रेक के लगाई भी उसे पत्थर आया होगा, क्या हालत होगी। तो देखूंगा जहाँ भी शाम होगी वहां रुक जाऊंगा। सो गाइस आ गया है मसाला डोसा और साथ में आ गई है लेमन टी। यहाँ पुलिस वालों ने रोक लिया है मुझे, एक गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है मेरे पीछे है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों इस टाइम मैं हूँ गुंजी में और अब मैं गुंजी से निकल रहा हूँ। टाइम अभी हुआ है 10:10 है। मैंने बाइक पर सामान जो है माउंट कर दिया है और बस अब मैं निकलने के लिए रेडी हूँ। ब्रेकफास्ट करना है जस्ट और उसके बाद निकलूँगा। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैं आदि कैलाश गया था, तो बहुत बढ़िया वीडियो है, आप जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए। और जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आदि कैलाश और ओम पर्वत की जो यात्रा है उसका बेस है गुंजी। तो गुंजी से आदि कैलाश का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और ओम पर्वत का 11 किलोमीटर है। चलिए चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। दोस्तों ये है गुंजी में वो होम स्टे जहाँ पर मैं रुका हुआ था और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, ये है शुभम होम स्टे। यहाँ पर जैसे ही आप गुंजी एंटर करते हैं उसके बाद सेकंड नंबर का रोड साइड पे लेफ्ट साइड में है और यहाँ पर इनकी शॉप भी है साथ में और अंदर काफ़ी अरेंजमेंट है इनका। 20 से 30 लोग यहाँ पर आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं और रात को बोनफायर भी कर सकते हैं आप। बैठने के लिए देखिए यहाँ बेंच स्टूल वगैरह लगे हुए हैं और ये अंदर इनकी शॉप और छोटा सा ढाबा और यहाँ दीदी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। बन गया परांठा, बैठूं? चाय बना दी आपने? बना दो, ठीक है। और आंटी यहाँ पे है हमारे, कहीं घुसे हुए हैं। आंटी हेलो कर दो एक बार। ये हमारे आंटी है, इनका ये होम स्टे है और इनकी ये छोटी सी शॉप है यहाँ प्यारी सी। और जितने भी आर्मी वाले हैं, लोकल गांव के लोग हैं, वो यहाँ से डेली नीड्स के आइटम्स जो हैं वो यहाँ आंटी के पास से ले जाते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ अब और फिर ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ। तो सिंपल परांठे बनाए हैं। थैंक यू आंटी। घर की देखो हरी चटनी, मज़ा ही आ जाएगा। जो इस होम स्टे के जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ हैं। इसमें आपको नाइट स्टे होगा प्लस आपका एक टाइम का मील होगा, 2 टाइम की चाय होगी इसमें। भांग की, भंग जीरे की, भंग जीरा। अच्छा थैंक यू आंटी। आंटी भांग की चटनी भी लाए हैं साथ में। यहाँ पे जो भांग होती है उसको ना बीज होता है उसकी चटनी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। 10:10 पे चला हूँ मैं गुंजी से। तो ये जो गुंजी है ना जगह, ये तकरीबन 10,000 फीट की हाइट पे है। नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, रात को ठीक था। मतलब एक रजाई ली थी और एक ब्लैंकेट लिया था तो उसमें हो गया था आराम से। मैंने अभी मेरी गोप्रो की जो है बैटरी एक डाउन हो गई थी सुबह जब हम लोग गए थे आदि कैलाश, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ ठंड की वजह से ड्रेन हो गई बैटरी। तो मैंने अभी चार्जिंग पे लगाई है मोबाइल होल्डर के साथ, अंदर टैंक बैग के अंदर रख दी है बैटरी, तो रास्ते में ये चार्ज हो जाएगी। इन केस अगर मेरी एक्शन कैमरे की बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन है। अब हम लोग छिया लेक तक लगातार चढ़ाई है, चढ़ते ही जाएंगे छिया लेक तक। तो छिया लेक 11,000 फीट की हाइट पर, वो देखो वो सामने दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की आबादी दिख रही है, वो है छिया लेक। अरे भैया काहे हमारा रास्ता रोके हो, हट जाइए, हट जाओ, हटो। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और क्या कलर है यार इनका, ब्लैक कलर के पहाड़ हैं। वाह यार कितनी सारी भेड़े हैं भाई एक जगह ही, ये मुझे लगता है इन्हीं के लिए है ये मिड हाउस बना हुआ भेड़ों के लिए। व्यू पॉइंट भी है ये, पर हमारे पास टाइम नहीं है भैया रुकने का, हम तो चलते चलते मज़े लेंगे। जगह इतनी सुंदर है ना यार, ये दिल तो करता है यहाँ रुक के कैंप कर लो, पर भाई मैं अकेला हूँ कहाँ कैंप करूँगा यहाँ। यहाँ ना पानी है ना पीने को कुछ है और जगह खूबसूरत है,
अपना ग्रुप होना तो भाई यहाँ कहीं कैंप कर लो, मजा आ जाए ऐसी जन्नत में। नज़ारे तो इतने सुंदर सुंदर हैं कि देखने को मन करता है इधर उधर, पर यहाँ तो ज़्यादा नहीं इधर उधर देख सकते, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर देखा ना तो इधर उधर ही हो जाएंगे। वो वहाँ से आए हैं अभी हम, ये सारे लूप्स चढ़ के यहाँ ऊपर आ गए हैं। तो अभी यहाँ आके मैंने बाइक रोका है, थोड़ा रेस्ट दिया है, इंजन गर्म हो जाता है इतने ही चढ़ाई में, हाई कम ऑक्सीजन में ना। आदि कैलाश तक पहुंचने के लिए ना पिछवाड़े में भाई साहब छल्ले पड़ जाते हैं, इतनी इंटीरियर में और इतनी खतरनाक जगह है ना ये। आके उतराई देखो आप कितनी है, और एकदम ऐसे हैं शार्प टर्न्स, अगर यहाँ थोड़ा भी अनबैलेंस हो ना तो बस गया आदमी। मौसम हल्का हल्का ख़राब होना शुरू हो गया, तो देखो जीप के लिए भी ना बड़ी मुश्किल से पास है, एक दूसरे को हॉर्न मारते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हटा ना भाई बंदा सीधा नीचे 3 किलोमीटर नीचे जाएगा। तो ऐसी ऐसी हैं जगह बहुत, यहाँ तो आप ना अपनी गाड़ी लेके भी तभी आओ यार, सच्ची बोल रहा, अगर आप बिल्कुल फुल ट्रेंड है। और बाइक में भी देखो सीधी है, स्टीप खाइयाँ गहरी गहरी, और सडन ऑल ऑफ सडन अगर आगे से गाड़ी आ जाए और कोई बंदा पैनिक हो गया ना तो गया, तो भैया हिमालय को प्यारा हो जाएगा, भगवान को नहीं। और वो जाना है नीचे भी, वो देखो इन पहाड़ों में ना मैंने कितनी गाड़ियाँ देखी हैं ऐसी ना, देखो इतना बड़ा ट्रक ख़राब हो गया ना तो ये यहीं सड़ जाएगा, रिपेयर तो यहाँ भाई साहब होती नहीं। कई बुलेरो मिली, कई 4x4, कई कारें बाइक सब सड़ रही हैं सड़क के किनारे। तो यहाँ यार बस यही दिक्कत रहती है कि यहाँ अगर कुछ होगी ना दिक्कत तो भैया जितना उसके मेंटेनेंस में और गाड़ी को ले जाने लाने में खर्चा आ जाएगा उतने की तो नई गाड़ी आ जाती है, इसलिए लोग यहीं छोड़ देते हैं इन गाड़ियों को। भाई साहब ये है गजब वाली उतराई, ओहो डेंजर, उफ ओ मुझे झांस कर याद आ गया भाई, ओहो बस नीचे से गाड़ी ना आए, एक तरफ गहरी खाई, ओहो रुक नहीं रहा बाइक, पूरी ब्रेक लगाई भी, ओ बच्चा बच गए बाप रे बाप, इतनी ब्रेक फर्स्ट गियर में, देखो आप देख रहे होंगे फर्स्ट गियर में थी बाइक और दोनों ब्रेक लगाने के बाद भी नीचे घिसती जा रही थी बाइक। अरे राम राम भाई साहब, अकेला हूँ, कोई साथ में होता ना फिर इतनी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि भगवान ना करे भाई साहब अकेले में बाइक अगर गिर जाए ना तो ये उठाएगा कौन, इतना भारी भरकम हाथी है। ओहो ऊपर से पत्थर आया होगा, क्या हालत होगी। तो ये होता है हाल यहाँ, देखो पहाड़ों में ना कुछ नहीं पता चलता, लैंडस्लाइड बस ख़त्म। देखो ये डोजर भी ख़राब हुए हैं तो यहीं सड़ रहे हैं, तो भाई साहब कोई पता नहीं चलता ऊपर से कब पत्थर आ जाए और क्या कचूम्बर निकल गया गाड़ी का। फाइनली 2:45 मैं पहुंच गया हूँ धारचूला में। तो धारचूला में यहाँ आदि कैलाश कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर मैंने पहले भी पिछले ब्लॉग में यहीं पर मैंने लंच किया था। तो इस टाइम मैं लंच करने के लिए यहाँ रुका हूँ, और धारचूला में भाई बहुत गर्मी है तो मैंने अभी जैकेट और अपना वार्मर वगैरह उतार दिया है, और उधर मैंने ऑर्डर दिया है मसाला डोसा विद लेमन टी, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है और धारचूला में खाना कोई खास मिलता नहीं है। तो यहाँ अभी बारिश होके हटी है, बिल्कुल नीचे धरती गीली है, और बस अब सीन ऐसा है दोस्तों कि अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आगे की तरफ टूवर्ड्स टनकपुर लोहा घाट की तरफ, तो देखूंगा जहाँ भी शाम होगी वहाँ रुक जाऊँगा। सो गाइस आ गया है मसाला डोसा और साथ में आ गई है लेमन टी, थैंक यू। तो और आप देख लो मैं कहाँ हूँ बैठा हुआ, कितनी प्यारी लोकेशन पे हूँ देख लीजिए। तो ये हैं जी हाँ धारचूला में, इतनी प्यारी लोकेशन पे। पेट्रोल डलवा रहा हूँ धारचूला में, धारचूला क्या धारचूला से 6 किलोमीटर आगे है ये, तो फुल करवा देता हूँ। बस 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 बस
यार ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट भी ना कितना बड़ा है, उधर चौकोरी के पास से स्टार्ट हो जाता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, और फिर जाके ये धारचूला आदि कैलाश ये सारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ। आई थिंक यार मेरे ख्याल सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ही ना हो ये कहीं पिथौरागढ़ उत्तराखंड का। तो भाई लोगों, आप लोगों में से जो भी उत्तराखंड से अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो कमेंट करके बताओ कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है या नहीं। वाओ क्या रोड है भाई, देखो टिंग 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 टिंग, कैसे जाना है। और मौसम इतना बढ़िया हो गया था भाई, पहले तो धारचूला से चला था जौलजीबी, और उससे आगे तो कितनी गर्मी थी ना, और अब बड़ा ठंडा मौसम है, मजा आ रहा राइड करने का भाई, मस्त एकदम मस्त। पाँच बज के दस मिनट पे मैं लोहा घाट से कोई 20 किलोमीटर पहले हूँ। यहाँ पर चाय के लिए रुका हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, बाइक को भी कंटिन्यूसली चलाऊँ धारचूला से। तो गाइस आज सुबह 6 बजे से मैं कंटिन्यू जर्नी कर रहा, 11 घंटे हो गए लगातार। तो अब यहाँ एक थोड़ा सा मैंने कहा 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर राइड कंटिन्यू करूँगा। तो भूख भी थोड़ी सी लगी थी, बट यहाँ कुछ है नहीं खाने के लिए, तो यहाँ चाय बोलिए भाई को, और कुछ क्रीम रोल हैं यहाँ पड़े हुए, तो वो खाते हैं और फिर चलते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ है ये जगह, देखिए ये जस्ट लोहाघाट से 20 किलोमीटर्स पहले है यहाँ पे। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहित तिवारी। मोहित तिवारी, मोहन तिवारी पंडित हैं आप? पंडित। तो मोहन तिवारी जी हैं, एक बार हेलो कर दो तिवारी जी। आज की जो मेरी राइड होगी अभी तक की 275 किलोमीटर हो चुके हैं, और 11 घंटे चला ली है मैंने बाइक आज। चलिए चलते हैं। अब क्या है ना गाइस, यहाँ से लेकर लोहा घाट तक भाई साहब, अभी आप ये वे स्टेशन देख रहे हैं ना, थोड़ी देर में आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे। तो लोहा घाट देखो आप क्या नज़ारा है, छोटा सा हिल स्टेशन है, यहाँ छोटे छोटे होटल्स मिल जाएंगे, जैसे ये वाला होटल है, ये वाली जगह है, तो ये सब अच्छी जगह है, प्यारा सा हिल स्टेशन है, पेट्रोल पंप है यहाँ पे। वाओ कितना डेंस फॉरेस्ट है यार, क्या अल्टीमेट जगह है ये। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना दोस्तों, मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ये जगह देख के, कि ऐसी एरिया में एक पर्टिकुलर पैच में ऐसी जगह और हिल स्टेशन जिसका कभी नाम भी नहीं सुना था। तो अब तो ये, जब मैं आया था 2 साल पहले तब इतने होटल्स नहीं थे, 2 साल के अंदर अंदर तो यहाँ होटल्स भी काफ़ी बन गए यार। मेरा भी हो गया है, और सारा जंगल का रास्ता है, ट्रैफिक बहुत कम है, इस रास्ते में होटल को ही मिल नहीं रहा। तो टनकपुर भी अभी काफ़ी दूर है, तो देखते हैं भाई जो भी होगा कहाँ मिलता है होटल। मेरे को तो अगर कहीं, मैं तो सोच रहा हूँ जैसा मर्जी मिल जाए मैंने ले लेना है, पर मिले तो सही। तो भाई अब सीन ऐसा है, यहाँ पुलिस वालों ने रोक लिया है, तो बता रहे हैं नीचे कहीं यहाँ से 8-10 किलोमीटर नीचे जाके कहीं लेपर्ड अटैक कर रहा है बाइक वालों के ऊपर। अच्छा फॉरेस्ट वाले हैं, तो ये फॉरेस्ट वाले हैं, तो इन्होंने यहाँ रोक दिया है बाइकर्स को, सबको, जितने भी 2-व्हीलर वाले हैं, तो इनको इकट्ठे छोड़ेंगे यहाँ से। तो देखते हैं अब कितने आते हैं, उसके बाद निकलते हैं। एक्चुअली ये है भी सारा जंगल वाला एरिया है, पूरा डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर, बराबर बराबर ही चलना। कहाँ तक जाना? टनकपुर। चलो मैं भी टनकपुर ही हूँ। ठीक है चलो, एक उस साइड। तो भाई साहब चलो भोलेनाथ का नाम लेके, भाई साहब यहाँ तेंदुआ अटैक कर रहा है, तो कार वाले को बोला है कि साथ लेके चलेगा। तो टनकपुर अभी यहाँ से 21 किलोमीटर दिखा रहा,
मुझे एक गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है, मेरे पीछे है। तो यहाँ टनकपुर के पास बता रहे हैं कहीं अटैक कर रहा है। यहाँ टनकपुर में रात को 8:30 बजे के करीब मैं पहुँच गया, टाइमली पहुँच गया था मैं। और यहाँ आके मैं नहा धो के और सीधा पहले डिनर करने के लिए चला गया था, और अभी डिनर करके जस्ट आया हूँ। तो डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, और थोड़ी आज की राइड भी थोड़ी हैटिक होगी दोस्तों। तो आज की जो मेरी राइड रही वो तकरीबन 350 किलोमीटर की रही है। तकरीबन 14.5 घंटे आज राइड की है, क्योंकि 6 o'clock मैंने राइड स्टार्ट की थी और 8:30 मैं पहुंचा हूं। तो लगभग 14.5 घंटे की आज काफ़ी हैटिक वाली राइड थी। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इंजॉय भी बहुत किया दोस्तों। ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।